खोल देना भाई उसको, खोल खोल दे। उतरी नहीं है क्या भाई? नहीं भाई अभी चढ़ी की नहीं है। चल चढ़ी नहीं है। तो भाई आज पहला दिन गोवा में बहुत मतलब बहुत बेहतरीन। रात को बहुत थकावट हो गई थी क्योंकि रात को मतलब जो रोड से आना था एक्चुअली वो रोड छूट गया था, आगे चले गए थे सब लोग। तो उधर से कितना समथिंग 40-45 ऐसा किलोमीटर बढ़ गया, जिसकी वजह से रात को आने में 10 बज गया था। और रात को इतना अंधेरा था इसलिए वीडियो शूट नहीं कर पाया, गोप्रो बंद था। इसलिए अभी जिस होटल वोटल सब लिए है, ये कुछ नज़ारा इधर पे, और जो रूम मिला है वो भी दिखाता हूँ आपको अंदर से कितना अच्छा है। हीरो उतरी नहीं है क्या भाई? नहीं भाई चढ़ी चढ़ी की नहीं है। चल चढ़ी नहीं है। तो भाई ये रूम जो पड़ा है वो 1500 का पड़ा है यहाँ पे वन डे का। तो अभी हम लोग ने यहाँ पे 3 दिन स्टे सोचा है, तो इधर ही स्टे करके सारे बीच नियर बाय में, तो फिर इधर ही रुकेंगे 3 दिन, उसके बाद में जो भी बीचेस है सब टोटल एक्सप्लोर करेंगे। तो अभी निकल रहे एक बीच के लिए, अभी देखते हैं कौन से बीच पे जा रहे हैं, अभी कुछ कंफर्म हुआ नहीं है, तो अभी देखेंगे फटाफट से निकल जाएंगे। तो ये रही होटल के सामने वाली पार्किंग, होटल वहाँ पे है, पार्किंग यहाँ पे है। और ये रही करिश्मा हिमालयन एक्सपल्स R1 होंडा बहुत कंफर्टेबल है। चलो ठीक है अभी निकलते हैं यहाँ से। क्या हो गया भाई, सीट गर्म है? धूप बहुत ज़्यादा पड़ रही है इसके वजह से सीट बहुत ज़्यादा गर्म है, देखना पड़ेगा। निकलते हैं फटाफट से निकलते हैं। बीच के यहाँ तो पहुँच गए, बट कौन सा बीच है वाइड है नहीं, लोकेशन देखना पड़ेगा। यही बीच है, दूसरा बीच है, तो समझ में तो नहीं आ रहा है यहाँ पे। आगे चलेंगे तो पता चलेगा, मैप देखना पड़ेगा। ओ शी बोट वोट तो है नहीं, अभी बीच दूर है, यहाँ नहीं है, 6 किलोमीटर है अभी। ये बीच का कोई हिस्सा है, तो व्यू एकदम मस्त है, पानी का भी सब कुछ अच्छा ही लग रहा है। समुद्र खारा ही रहता है, अब वहाँ जाएंगे तो पता चलेगा। बीच मतलब उधर का बीच अपने वसई का बीच अलग है, ये बीच अलग है। यहाँ की रेत ब्राउन है, वहाँ की रेत हल्की ब्लैक टाइप में है। MH भाई एक महाराष्ट्र का एक राइडर और मिल गया है, अब कहाँ से है क्या मालूम। भाई इन दोनों में रेस लगी लग रहा है, लग ही रहा है रेस लगी, क्योंकि दिलीप उसके बाजू से निकला तो ऑब्वियसली लौंडा है भाई, खून गर्म रहेगा ही। लग रहा उन लोग भी वहीं जा रहे हैं जहां हम लोग जा रहे हैं, अरम्बोल बीच। ये होता है अक्सर, जो भी राइडर एक दूसरे के बाजू से निकलता है ना, तो मतलब वो राइडर नहीं है, छपरी गिरी करते हैं इन लोग। थोड़ा सा एक जन आगे निकल गया तो दूसरे को मतलब वो चुल मस्ती है कि हाँ भाई मैं उससे आगे रहूँगा करके। इसने उसके बाजू से निकाला, उसको चुल मस्ती कि भाई मैं इससे आगे जाऊँगा, उसने भी गाड़ी भगाना चालू कर दिया। तो ये चीज़ गलत है भाई, ये चीज़ करना ही नहीं चाहिए, इससे एक्सीडेंट के चांसेस भी ज़्यादा है,
प्लस तुम्हारे वैसे दूसरे का नुकसान होगा अलग है, इसे चाहिए करो ही मत ना भाई ये। तो भाई फाइनली और फाइनली पहुंच गए, यहाँ से बस 600 मीटर दिखा रहा है। यही लेफ्ट लेने के बाद सीधा आरंबोल बीच, यहाँ से भी रास्ता रहता बट मैप ने यहीं का बता दिया शॉर्टकट। ये गूगल मैप के भरोसे रहना मतलब थोड़ा रिस्की है बट ठीक है, अगर थोड़ा बहुत आपके अंदाजे से चलो तो। कि कल रात को यही सीन हुआ, गूगल मैप के भरोसे चल रहे थे, इतने जंगल झाड़ी में से घुसा घुसा के गांव के अंदर से लाया, कुछ समझ में ही नहीं आया। वो तो पूछ पूछ के आ रहे थे इसलिए ठीक है पहुंच गए यहाँ तक। सब दुकानें हैं मतलब यहाँ की मार्केट, जो भी खरीदना है यहाँ से खरीद लो, और जस्ट इसके पीछे आरंबोल बीच है ये, पर नॉर्मली रेट है, जितना रेट रहता है हर जगह उतना ही रेट है, इतना भी कॉस्टली रेट नहीं है, सब सेम ही है। मार्केट जानबूझ के लोग इतना शोपीस शोपीस वाला सामान बाहर रखते ताकि लोग खरीदें, ऑब्वियसली लोग खरीदेंगे, सब फॉरेनर्स के वजह से यहाँ मतलब रशियन हाँ रशियन ऑब्वियसली हाँ यार, एक हिसाब से आरंबोल बीच को रशियन बीच के नाम से भी जानते लोग। देखते हम लोग भी रिटर्न में यहाँ से देखते कुछ टी शर्ट वर्ट मिले अच्छी खासी तो ले लेंगे। इंडियन और फॉरेनर जमीन आसमान का फर्क है सीमा की, हमारा इंडिया जुगाड़ पे चलता है भाई, कोने कोपचे से कहाँ कहाँ से लेके जा रहे हैं पता नहीं। बहुत बड़ी मार्केट है, पार्किंग का भी यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होगा, अभी पार्किंग पूछना पड़ेगा इन लोगों से कहाँ पे पार्क कर सकते हैं किधर नहीं। जाने तो लो भाई साहब, पहुंच गए आखिर फाइनली हिमालयन गुजरात। अरे गुजरात बड़ा गोवा, उन लेके कहाँ जाएंगे इसको। हाँ है पार्किंग की जगह है भाई, लफड़े वाला सीन है भाई। पहुंच गए भाई आरंबोल बीच फाइनली। हाँ पूछना पड़ेगा पार्किंग का सीन क्या है यहाँ पे, पार्किंग पूछना पड़ेगा यहीं पे करना पड़ेगा, पार्किंग का बहुत प्रॉब्लम है यार यहाँ पे। MH 11 अलाउड नहीं है, पूछ लेते भाई किसी से पार्किंग का क्या सीन है यहाँ पे। अभी तो भाई इधर इतना ज़्यादा गर्दी है नहीं क्योंकि सब खाली खाली है ऑलमोस्ट। इधर गर्दी तब रहता है जब Jan-Feb-March उस टाइम में गर्दी बहुत ज़्यादा रहता है। अभी सब बोल रहे कि लोकल बोल रहे कि अभी तोड़ने का टाइम आ गया, मतलब सब हटा देंगे जो थोड़े सब लगा रहे टोटली सब ये सब हटा देंगे क्योंकि बारिश के टाइम में फिर मतलब नहीं कुछ। तो भी कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम में Jan-Feb-March में आने की, जब क्राउड रहता है तब मजा आता है, खाली खाली रहता है तो कुछ मज़ा नहीं आता। और हम लोग भी बैग तो लेके आए अपन, शॉर्ट्स निकाल के रखा था बाहर, यहाँ ना निकले अपन वो भी भूल गए, अब कुछ नहीं हो सकता, थोड़े टाइम रुकेंगे इसके बाद फिर निकल जाएंगे दूसरे बीच में। तो भाई आए थे मज़े करने, पहले बात तो शॉर्ट्स भूल गए घर पे ही घाई घाई में क्योंकि धूप हो रहा था इसलिए, तभी निकले थे 1 बजे, अभी हो रहा है 3:30। तो भाई कुछ मतलब तो नहीं निकला यहाँ आके क्योंकि आए थोड़ा सा एंजॉय किया खाया पिया उसके बाद में नहा तो पाए नहीं, सोचे थे नहाने के लिए, पर अभी चलो ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ से निकल रहे जाएंगे दूसरे बीच पे।
ये अरम्बोल बीच है, और दूसरा जा रहे हो कुछ मॉर्जिस की मॉर्गिन करके नाम है उसका, जाएंगे देखेंगे वो बीच पे जाएंगे। चल भाई, चलो भाई निकलते हैं यहाँ से। लोगों की गाड़ी आ रही है, मैंने बीच में गाड़ी खड़ी कर दी है। यहाँ घुसेंगे तो आ जाएगी। गुड मॉर्निंग नहीं, आफ्टरनून हो रहा है भाई। भाई बोल रहा है गुड मॉर्निंग। चलो अच्छे 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 लोग मिलते हैं दुनिया में, अच्छे लोग मिलेंगे तभी सब अच्छा ही होगा भाई। चलो मज़ा तो नहीं आया, जाते दूसरे बीच पे देखेंगे वहाँ थोड़ा कुछ, उसके बाद फिर निकल जाएंगे होटल। एक हाथ में ग्लव्स इसे नहीं पहन रहा क्योंकि ग्लव्स तो काम नहीं कर रहा है मैप देखने के लिए। चलो भाई, दिलीप अभी गाड़ी निकाल रहा है, तब तक मैं आगे देखता हूँ कुछ लेने लायक है तो। हाँ हो सके तो शॉर्ट्स मिल जाए, शॉर्ट्स तो अच्छे अच्छे रखा है, मिल जाए अच्छे तो मज़ा आ जाए, सब मज़ा ही मज़ा आ जाए भाई। तो भाई इधर शॉप पे आए थे, यहाँ पे एक ये शॉर्ट्स पसंद आया तो इसमें का एक ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास एक भी शॉर्ट्स है नहीं तो फिर यही ले लेता हूँ। भाई ढूंढ रहा है वाइट वाइट, खोल देना भाई इसको, खोल खोल दे। कर दे पैक कर दे भाई। 150 का ही दे दिया, 250 बोला था, 150 में दे दिया। छुट्टा ही दुनिया ने सेट से 500 ये गूगल पे है? नहीं जीपे नहीं है, करो देखो रहेगा। भाई लो भाव बहुत महंगा बोलते बट थोड़ा कम कराने के बाद 150 में दिया, 300 बोला था भाई ने स्टार्टिंग में, 150 पे आके के। बाकी बहुत सारे कपड़े हैं, शर्ट्स भी है, वन शर्ट्स वो गो वाले शर्ट्स अपने को नहीं चाहिए, बाकी अक्सर लोग तो यही पहनते हैं। आई लव गोवा। क्या भाई शॉप तेरी, रेट मेरे से पूछ रहा है यार तू आके। हाँ सर, ओ सर चड्डा उड्डा दिखाओ कुछ ले लो सर, फ्री में ले जाऊँ अपनी दुकान। फ्री में भी नहीं चाहिए भाई को। थैंक यू भाई। ओ गौ माता। तो भाई थोड़ी सी शॉपिंग के बाद आगे हम लोग फोटोशूट के लिए यहाँ पे जाते टाइम में हम लोगों ने देख लिया था ये आई लव गोवा लिखा है, तो सोचा रिटर्न में यहाँ पे फोटोशूट करा लेंगे उसके बाद निकल जाएंगे। तो अभी बस फोटो सेक्शन हो गया है, अभी जा रहे होटल से, इधर यहाँ से बीच में जाने वाले थे बट बीच पे गए थे वहाँ कुछ अच्छा नहीं लगा, इसलिए हम लोग वहाँ से रिटर्न आ गए, अभी सीधा डायरेक्ट यहाँ से होटल चल जाएंगे।
लो भाई लो पहुंच गए होटल की पार्किंग में। तो यहाँ से गाड़ी लगाते हैं पार्किंग में और चलते अपने होटल के रूम की ओर। अभी देखते हैं इन लोग नीचे आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि गाड़ी फिर उसके हिसाब से लगाने के लिए, क्योंकि शाम का प्लानिंग तो है बाहर जाने का। तो भाई वापस आ गए अपने प्लेस पे, यहाँ वापस गाड़ी पार्क कर दी। बाकी अभी जो भी है इतना, मतलब नॉर्मली सब लोग घूमने आते तो शायद ज़्यादा मज़ा आता, बट हम दोनों जन ही थे। सुबह आया ऐसा नहीं नहीं आया, बट ज़्यादा क्राउड नहीं रहता है यहाँ पे। क्राउड रहता है नवंबर दिसंबर पे टाइम पे, तो ये टाइम पे ज़्यादा क्राउड नहीं था। फिर भी जितना इंजॉय करना था इंजॉय कर लिया, इतना घूमना था घूम लिया। गोवा घूमने आए थे, घूम लिया भाई। गोवा मज़ा आया भाई, घूमने में मज़ा आया, क्योंकि नज़ारा बहुत खूबसूरत है। नज़ारा तो यहाँ का, शहर का नज़ारा बहुत बेटर है। अगर आपको आना रहेगा खाली बीचेस के लिए, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है खाली बीचेस के लिए मत आना। अगर आपको गोवा शहर घूमना रहेगा तो ऑल द बेस्ट, आप आइए बिंदास के लिए। नहीं तो फिर इतना बड़ा रुमाल ला के पैसे से हाथ धो और उसके बाद घूम के पसीना छोड़ा तो पोछते रहो खाली। इसलिए इसके वही लिए ये खाली बीचेस के लिए आया था, इसलिए बीच पे गए कुछ नहीं मिला, मतलब समझ रहे हो ना। गाड़ी बाकी यहाँ पार्क हो गया, सब कुछ हो गया, अभी चलते हैं होटल पे, देखते क्या कर रहे हैं उन लोग। बाकी तो सोए थे सब लोग। हाँ बाकी वीडियो यही करते, वीडियो में जो भी अच्छा लगा बुरा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, और मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में। बाय बाय।